हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम सेकंड लॉ से कैसे ड्राइव कर सकते हैं, कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम दूसरे नियम से कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको इससे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप पीछे जाकर भी वीडियोस को देख सकते हो और उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो आज हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि मोशन के सेकंड लॉ को यूज करते हुए फर्स्ट लॉ पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना, जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जब हमने कल डिराइव किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। दैट मींस अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगता है तब तक वो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहेगा, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन में हो, गति में हो। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार हम ये मानते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स कितना अप्लाई होता है, जीरो। दैट मींस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको नाम दे देते हैं ए, कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, दैट मींस कोई भी बल हम इस पर नहीं लगाते। ठीक है, तो अब देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद इनिशियल वेलोसिटी यू, अब मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट ए है और ये स्टार्टिंग में एक इनिशियल वेलोसिटी यू से चलता है, मतलब एक वस्तु है वो प्रारंभिक वेग यू से चलती है, लेकिन हम इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कितना है, जीरो। ठीक है, तो अब आगे देखो, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार आपने क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब जो ए है ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। तो हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपका एफ कितना हो गया, एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि फोर्स क्या है, जीरो, तो फोर्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, जीरो, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो बाकी सारी चीज यहाँ क्या रहेंगी, सेम, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास भी है, वो एक वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है और कुछ ना कुछ टाइम भी ले रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब आप जीरो को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, इधर आपका एम वी माइनस यू बचेगा, तो जीरो किसके इक्वल आ गया, एम वी माइनस यू। उसके बाद एम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब आप इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में चला गया, इधर आपका सिर्फ क्या बच गया, वी माइनस यू। अब अगर आप जीरो को एम से डिवाइड करते हो तो आंसर आपका क्या रहेगा, जीरो, इधर क्या बचेगा, वी माइनस यू, तो वी माइनस यू किसके बराबर है, जीरो। दैट मीन्स अब इस u को उधर लेके जाओगे, यहाँ u माइनस का है, उधर जाने के बाद किसका हो जाएगा, प्लस का, दैट मीन्स v किसके बराबर आ गया, u के, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस से हमें, इस इक्वेशन से जो हमारी ये इक्वेशन आई है, इसे क्या पता चलता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जीरो होता है उस केस में इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो गई, जीरो, और जीरो होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका किस पर है, रेस्ट पे। और अगर यहाँ पे हम ये कहें कि इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग उस वस्तु का 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग भी कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस जब तक फोर्स जीरो अप्लाई हो रहा है वहां पर, या फोर्स अप्लाई ही नहीं होता, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो वही रहेगी। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से, तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। दैट मींस ऑब्जेक्ट जिस वेग से चल रहा है, जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो उसी वेग के साथ लगातार चलता रहेगा। तो यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। तो हमने क्या किया, न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करते हुए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिराइव कर दिया। तो आज हमारे टॉपिक क्या होते हैं यहीं पे कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।